एक सीधी साफ देके और बाहर पास हो तब शाह देना होना था स्वागत करने और आप जिन्हें पूरे सुविधाओं का जकारा लाना अरे सारे बोले सोने तैयारी की जा रही है और इसी सिलसिले में आज जो पश्चिम जिला के अध्यक्ष हैं राजकुमार ग्रोवर उनके स्वागत के लिए जो सिख समुदाय है उन्होंने एक सभा का आयोजन किया है और वो अभी यहाँ पे आते होंगे उनका सिख समुदाय स्वागत करेगा। जेडी बितरा ते आसी आपसी फिरता बस्ती जेडी होगी आपसी भाईचारा साडा मुक गया सी उदो भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल नूं इकट्ठा करन वाले अवतार सिंह खेतर उहनां दा लाल पाटा बोले सोनिया अवतार सिंह खेतर ने जेड़ा भी काम कीता हिट ठोक के कीता इवन उन्होंने जो काम साडे नहीं हो रहे सी मोदी जी नूं ही चैलेंज कर दिया कि सारा नूं पता होगा और मोदी जी उन्होंने बड़ा सत्कार कर दिया प्रकाश सिंह बादल जी ने एक तरह से उन्होंने सारा जीवन जिथे अपनी मां पार्टी अकाली दल ने सारा ही जीवन उठे लाया ये बड़ी माण की गल है और अज उन्होंने जान का घाटा या जी घाट है सानू जरूर महसूस होंगी है इस इलाके में जरूर महसूस होंगी है और जिस तरह की उन्हें दसिया कि इस इलाके च किन्नी क नौकरियां भावे लवाईया या होर लोगों ने काम किए अज वाकई वह महसूस करते हैं क्योंकि उन्होंने एक पैसे का लालच नहीं होता सी वो अपने इलाके का वो तो वो काम कर सकन ऐसा उन्होंने जतन होता अज मैं सारे एक बेनती करना चाहता तुसी सारे ही इत्थे दे बहुत ही सूझवान और मौके बंदे हो तुहानू जिथे माण होना चाहिए कि अज जथेदार अवतार सिंह ने असि अज भी इकट्ठे होके ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਭਰਾਵੋ ਤੇ ਭੈਣੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀਏ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਅੱਜ ਮਨ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਿਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਹਿਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ कई बार सानू उन्होंने परिवार के मैंबर होने के नाते भी दस दस पंद्रह पंद्रह मिनट अद्धा अद्धा घंटा लग जाता सी सो अज डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट राजकुमार जी का मैं इतने स्वागत भी करता धन्यवाद भी करता कि उन्होंने अज सोनू जी के सदे पदे उत्ते आके इतने चरण पाया और सोनू जी नू उन्हां दी पिंड दे उत्ते हथ रख्या मंच ते विराजमान नानवाल सिंह साहब गुरुवर जी सेठिया जी गगन जी मेरे सेठिया मैडम और साडे सत्कारियो इन्हां वास्ते ये सारा प्रोग्राम रखा गया और अजीज ने जो उपराला किया है राजकुमार ग्रोवर जी असां ये भी दसदे हां कि राजकुमार ग्रोवर जी पहली बार अध्यक्ष जी बने ये इस बार ते दूसरी बार आए काम है रल के करना है मैं श्री
श्रीमान राजकुमार ग्रोवर जी। राजकुमार ग्रोवर जी मैं तुम्हें गल दस दिया, वो शख्स जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नाल मिलके ऐसे वड्डे वड्डे काम किए हैं। इन्हों का जो लैवल है वो वैसे मैं जिला अध्यक्ष बहुत वड्डी पोस्ट है, लेकिन इन्हों का लैवल उस तो भी बहुत उच्चा सी। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने इन्हों स्पैशल दरखास्त की कि नहीं तुम वैस्ट दिल्ली की कमान संभालो, क्योंकि वैस्ट दिल्ली में थोड़ी बड़ी सख्त जरूरत है। और मैं जो इन्होंने कार्यशैली देखी है, जो सानू इन्हों को सीखने मिलता है, जो इन्हों का मीटिंग लैन का तरीका है, जो इन्हों का संगठन के काम करने का तरीका है, वो वाकई ऐसा है कि इस वही पश्चिमी दिल्ली तो देखना, चाहे कोई भी एम पी साढ़े परमेश खड़े हो जाए, देखना वन साइड घट तो घट 9 लाख के मार्जन तो जीत गया। साढ़े राजकुमार ग्रोवर जी जो कि मेरे के वे भरा हैं, बड़ा कुछ सामने उन्होंने तो सीखने मिलता है। और अज मैं इस तो ज्यादा ना बोल रहे सिर्फ इन गल कहना चाहवागा कि अज असी भारतीय जनता पार्टी के राजकुमार ग्रोवर जी का इतने दिल खोल के स्वागत करिए। राजकुमार जी अज साढ़े बच्चे इतने सारी जिन्हें भी इतनी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है उन्होंने प्रधान साहब सैकटरी साहब सारे इतने आए हैं, जिन्हों से साढ़े टक्कर साहब सी ब्लॉक गुरुद्वारे के साढ़े बच्चे खड़े हैं। इन्होंने बड़ा ही वधिया काम किया है, जो जथेदार अरदास सिंह खेत जी के नाम से एक लाइब्रेरी भी उत्थे बनाई है, जिसे वो लोग पूरे परिवार वो लोग इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जो सिर तो पैरों तक का सम्मान आज के इस कार्यक्रम के हमारे दूल्हा रविंदर सिंह सन्नू जी रखा उस चीज का रखा कि हित साहब की याद, हित साहब के काम, हित साहब वो शख्सियत थी। मैंने बचपन में राजनीति का शौक है, मैं कॉलेज स्कूल होता थी तब भी यही रहता थी कि जिते भी चुनाव होता थी, जब ओपी मंगवा जी पहला चुनाव काउंसलर का लड़े थे तो मैं थ्री क्लास में पढ़ता थी और मैं स्कूटर के उत्ते थ्री व्हीलर के उत्ते अनाउंसमेंट कर शौक को अनाउंसमेंट करता था। तो वो अनाउंसमेंट करते 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 पार्टी का काम साथ साथ करते गए। निगम पार्षद जी थी आंदे उन्होंने गले लगा दिया, कहिंदे राजकुमार आ जा यार बड़ा अच्छा लगा कि तू जिला अध्यक्ष बन के आया है, बिल्कुल साडा सहयोग तेरे नाल पूरा हो, कितने कोई कमी नहीं आंदा। बड़ा कुछ सीखा उन्होंने कोलो, बड़ा कुछ देखा उन्होंने नाल। हुण उन्होंने जान तो बाद असीं देखते हैं जब साडे मंचां दे उत्ते हिंसा नजर नहीं आते तो सानूं लगता साडा मंच अधूरा है, साडा भारतीय जनता पार्टी का मंच अधूरा है। उन्हां दी कमी अज तक सानू बड़ी खल रही है, लेकिन बरसी दे उत्ते मैं एक गल कह के गया था, मैं कहा हिंसा तो बाद सोनू नूं किसी ने संभालिया नहीं। एक दूजे नाल बैठ के सारे वीर इकट्ठे बैठांगे, इकट्ठे बैठ के अपनियां सुख दुख सब साझ करांगे, लेकिन सिर्फ प्रवेश कर लागे, अभी सब एक कमरे ड्राइंग रूम में बैठा, ठीक है।
और हर तरह की समस्या जो होगी उस समस्या आप हल करेंगे। की बरसी के ऊपर ये संकल्प लिया था सबने मिलकर, सबने कहा था कि हम दोबारा जो हिसाब के जाने के बाद एक दूरियाँ बढ़ गई थी उन दूरियों को इकट्ठा करेंगे, जो उनके मन की इच्छा उसको पूरा करेंगे। तो आज सब के सब लोग इसीलिए एकत्रित हुए, ये शुरुआत हुई है पश्चिमी दिल्ली में, क्योंकि कुछ लोग इनको पहले गुमराह करते थे लेकिन ये गुमराह नहीं हुए। पूरे के पूरे परिवार, पूरे गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटियों के सदस्य, ये सब के सब मिल के हिसाब के जो हिसाब कार्य कर गए और जो अधूरी रह गए उन कार्यों को पूरा करने के लिए आज सबका हम सब लोग एकत्रित हुए। यही हिसाब की सबसे बड़ी हमारी श्रद्धांजलि होगी उनको कि उनके बताए हुए जो कार्य हैं और जो छोड़ के कार्य वो सबको पूरा। 2024 चुनाव की तैयारी शुरू कर दी हमने तो आज से। देखो ऐसा है कि हमारे प्रधानमंत्री जी जिस दिन प्रधानमंत्री जी की शपथ लेते हैं उससे अगले दिन ही वो आगे 5 साल बाद की तैयारी शुरू कर देते हैं। तो हमने तो अपनी तैयारी जिस दिन 19 के अंदर प्रधानमंत्री जी जीते थे और जब शपथ ली थी अगले दिन से शुरू कर दी थी 24 की। और तीसरी बार फिर पहले से ज़्यादा सीटों से आ रहे हैं हम लोग। सर, 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे कल आ रहे हैं, आपका क्या आकलन है? देखिए ऐसा है कि 5 राज्यों के अंदर हम जीतने जा रहे हैं, जो मर्जी लोग कहते रहे, क्योंकि कुछ मीडिया ने इस बार काफ़ी लोगों को गुमराह किया, खासकर सोशल मीडिया ने, कि वहाँ बीजेपी कमज़ोर है, वहाँ पर कमज़ोर है। लेकिन अब जब आपका ये ओपिनियन पोल आया, जैसे चुनाव नतीजे खत्म हुए तो आपके सामने आ गया, अब रिजल्ट आएगा वो आपको और अच्छा रिजल्ट देने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस की बताया जा रहा है, अब समय आने दो, काउंटिंग शुरू होने दो, फिर देखेंगे क्या होता है। ठीक है ना, चिंता ना करो, हमारी शुभकामनाएं। धन्यवाद धन्यवाद। जिलाध्यक्ष बनकर हमारे बीच में आए, जबकि राजकुमार ग्रोवर जी पहली बार जिलाध्यक्ष बने, दूसरी बार जिलाध्यक्ष बने हैं और मैं समझता हूँ उनका रुतबा उससे बहुत बड़ा था, लेकिन पार्टी ने एक अलग से उनको जिम्मेदारी दी है कि नहीं आप इस बार जो पश्चिमी दिल्ली उसको संभालो और उसके अंदर जो भी थोड़ी बहुत सी कमियाँ हैं उसको ठीक करो। मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझता हूँ कि राजकुमार जी ने अपने इस काम के अंदर, अपनी इस टीम के अंदर मुझे अपने साथ कश्मीर जिला में उपाध्यक्ष किया। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जो वो मुद्दे जो राजकुमार जी ने मुझसे रखा, जो भारतीय जनता पार्टी उसे उम्मीद करती है, उसको पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगा। ये आज जो मीटिंग थी इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि आज इस मीटिंग के अंदर हमारे जितने भी हरिनगर के सिंह सभाए हैं, सी ब्लॉक गुरुद्वारा, उसके प्रधान साहब, उसके सेक्रेटरी साहब और MS ब्लॉक हरिनगर के प्रधान साहब, मुंकड़ साहब, शक्ति साहब, हमारे गुरुद्वारा रामगढ़िया के परमिंदर सिंह जी, सुराब सिंह मोटी जी और हमारे प्रतापनगर से जो हमारे दुग्गल साहब हैं वो बाहर गए, हमारे राजपाल पूरी जी हमारे बीच में आए जो कि दीनदयाल हॉस्पिटल में सेवा में बहुत हैं, और भी जितने भी सिंह सभा हैं वो सारी यहाँ पर आई थी। बेसिकली आज राजकुमार जी ने मुझसे एक बार ये कहा था कि मैं जो सिख सौरव के साथ एक बार बैठना चाहता हूँ, मुद्दे हैं जो कुछ हो गए हैं उनके बारे में चर्चा करना चाहता हूँ और जो कुछ समस्याएं हैं उसके बारे में उनसे चर्चा करना चाहता हूँ और इन सिखों के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आज ये बैठक रखी हुई है। तो स्वागत करना है, लेकिन कुछ समस्याएँ राजकुमार जी ने सुनी और जो की हुई है मोदी सरकार के द्वारा, जैसे कि हमारा उन्होंने भी जिक्र किया कि जो करतार बोला गया है ये बहुत बड़ी बात है। आज देखो जो गुरु नानक देव जी को सिख अपना पिता कहते हैं और मतलब कि एक तरह से मोदी जी ने बच्चों और पिता को मिलवा दिया वहाँ जाके दर्शन करने और बड़ी संख्या में, और अभी मैंने सुना है कि अब तो पासपोर्ट की भी शायद जरूरत नहीं पड़ रही, संख्या अपने आधार कार्ड के जाकर वहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। और एक बहुत बड़ी काम जो मोदी सरकार ने किया, जो वीर बाल दिवस जो छोटे साहबजादों का जो नाम पर बाल दिवस रखा गया, ये भी एक मोदी सरकार का सिखों के लिए बहुत बड़ा काम है। जैसे हम देखें तो वहाँ पर हेमकुंड साहब में भी काम चल रहा है, जो ट्रॉली से आप हेमकुंड साहब के दर्शन कर सकोगे। तो एक बार मैं, मेरे को हेमंत साहब ने एक बात बताई कि जब गुरु नानक देव जी का 550 साल आ गया तो मोदी जी से मिलने का हेमंत साहब को सौभाग्य प्राप्त हुआ, जब उनके पास गए उनको इन्विटेशन देने के लिए, तो मोदी जी कुछ पढ़ रहे थे, तो ये जब अंदर गए तो हेमंत साहब
अपने जवाब अंदाज में जब बात करते हैं तो ये क्या पढ़ रहे हो, मेरे मैं ये चंदाना जो है जो उनकी वाणी है वो पढ़ रहा हूँ। इसलिए उन्होंने सारी वाणी हिंदुस्तान की जितनी भी भाषा है उसके अंदर उनको कन्वर्ट कराया, मतलब ये भी हिंदुस्तान की सारी भाषाएँ हैं जितनी भी है उसके अंदर गुरु नानक देव की वाणी को लिखा गया। ये एक मोदी जी का ऐसे सैकड़ों काम है, अगर हम जिक्र करने बैठेंगे तो उस कामों की किताब भर जाए, बाकी तो काम वो कर ही रहे हैं और देश का जो सम्मान है वो पूरे वर्ल्ड में वो बढ़ा ही रहे हैं, लेकिन जो सिख समुदाय के लिए मोदी सरकार ने काम किया है। और ऐसे ही हमारे प्रवेश साहब सिंह वर्मा जी जिनका अभी चुनाव आने वाले 2024 में आने वाला है, प्रवेश जी ने देखो यहाँ आप सुभाष नगर जाओगे तो तीन स्टैचू दशा सिंह राम बढ़िया समारोह और भैया सिंह जी का स्टैचू, वो मतलब मैं समझता हूँ कि वो एक ना होने वाला काम वो एक सिखों को उन्होंने करके दिया। सिख समुदाय जो खासतौर पर रामगढ़िया बिरादरी जिससे मैं भी बिलोंग करता हूँ, वो एक बहुत अच्छा काम उन्होंने वहाँ पर किया, जो हम सुभाष नगर जाते हैं उसको हम देख सकते हैं। हमारे प्रवेश साहब से अपना उनका मैंने जब उनको देखा जब ये वीर बाल दिवस का काम शुरू हुआ, एक बार जिले में हमारी मीटिंग हो रही थी तो छोटे शैव जादव की शहादत, कहते मैं जानता नहीं था, पहले जब मैंने इसको पढ़ा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं आपको यकीन मानना बता रहा हूँ कि जब जिले के अंदर वो छोटे शैव जादव की शहादत के बारे में बता रहे थे तो उनकी आंखों में आंसू आ गए और कहते मैंने उसी दिन ये प्रण ले लिया था कि ये जो बाल दिवस है ये किसी नेहरू के नाम से नहीं मनेगा, ये छोटे शैव जादव के नाम से मनाया जाएगा। और उन्होंने पूरे कहते मैंने पूरे MP जितने भी पूरे हमारे सांसद में हैं सबसे साइन करा के प्रधानमंत्री मोदी का एक ये बड़ी शुरुआत जो प्रवेश साहब सिंह वर्मा जी ने की और प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको छप्पा लगाया और जो देश के अंदर आज जो बाल दिवस है छोटे शैव जादव के नाम से मनाया जाता है और पूरा सिख जगत इस प्रधानमंत्री मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मैं पर भगवान से अपने परमात्मा से अरदास करते हैं जो आने वाले चुनाव है उसमें प्रवेश साहब सिंह वर्मा जो है जैसे भी हमारे राजकुमार ग्रोवर जी बोल गए वो 9 लाख वोट से जीतने चाहिए, वो 9 लाख वोट से इस बार वो जीत के आएंगे तो दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती।